शॉर्ट टाइम एंड ट्रिक्स के पार्ट टू में आपका स्वागत है। और एट फर्स्ट ट्रिक देखने से पहले क्वेश्चन क्या है देख लेते। क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है जो कि स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर देखिये सिंगल सा जो ट्रिक है वो है यहाँ पर जो एक्स दिए गए हैं ये जो एक्स है इस एक्स को अगर आप n इंटू एन प्लस वन के कंडीशन में लिख सकते हैं उस कंडीशन में अगर आप प्लस का साइन है यहां पर बीच में सभी का प्लस का साइन है उस कंडीशन में बड़ा वाला यानी कि n प्लस वन आपका आंसर होगा। अगर यहां पर छोटा जो कि माइनस का साइन है उस कंडीशन में छोटा वाला जो कि n आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप ट्रिक्स को समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ट्वेंटी प्लस स्क्वायर रूट ट्वेंटी इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तो देखिए ये जो ट्वेंटी है क्या ये ट्वेंटी को एन इंटू एन प्लस वन के कंडीशन में लिख सकते हैं? ट्वेंटी को लिख सकते हैं फोर इंटू फाइव के कंडीशन में। फोर इंटू फाइव यानी कि फोर इंटू फोर प्लस वन। तो सिंपली देखिए प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो एन प्लस वन यानी कि फोर प्लस वन जो कि फाइव आपका आंसर होगा। अगर यहां पर माइनस का साइन होता उस कंडीशन में जो कि n यानी कि 4 आपका आंसर होता। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन स्क्वायर रूट 42 माइनस स्क्वायर रूट 42 इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तो सिंपली देखिए यहां पर माइनस का साइन है और यहां पर 42 है, 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7 और यहां पर देखिए माइनस का साइन है इसलिए छोटा वाला जो कि n, n आपका आंसर जो कि 6 आपका आंसर होगा। इसी तरह से 380 माइनस 380 तो देखिए 380 को लिख सकते हैं जो कि 20 इंटू 19। तो देखिए माइनस का साइन है इसलिए छोटा वाला जो कि n तो 19 आपका आंसर होगा। तो अब चलिए ये जो ट्रिक है किस तरह से आ रहा है ट्रिक चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तो बेसिक प्रोसेस से एट फर्स्ट मान लीजिए m इक्वल टू a मान लीजिए टोटल। अब सिंपली दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए तो m स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा जो कि सिंपली 12 बाहर में आएगा। और ये जो है ये है टोटल जो कि m लिए गए हैं तो सिंपली m लिख लीजिए। तो सिंपली m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू जीरो और इसको आप लिख सकते m माइनस 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब सिंपली इसमें से जो कि m माइनस 4 से m इक्वल टू 4 एंड m प्लस 3 से जो कि m इक्वल टू माइनस 3 आप लिख सकते हैं। तो सिंपली देखिए माइनस का साइन यहां पर कैंसिल करेंगे तो जो कि माइनस 3 आंसर नहीं लेंगे तो सिंपली देखिए पॉजिटिव आंसर जो कि 4 m इक्वल टू 4 आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लॉन्ग टर्म में नहीं करके आप ट्रिकली जो कि n इंटू एन प्लस वन के कंडीशन में जो कि अगर प्लस का साइन है तो एन प्लस वन आंसर, अगर यहां पर माइनस का साइन है तो सिंपली एन जो कि आपका आंसर होगा जो कि उस कंडीशन में थ्री आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप माइनस के साइन के साथ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।